कक्षा 9 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर 13.1 के कुछ शेष सवाल कराते हैं। देखिए, छठा सवाल है, एक छोटा पौधघर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप से चिपकाया गया है। ये पौधघर 30 सेमी लंबा, 25 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ऊंचा है, तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप की आवश्यकता होगी जोड़ने के लिए। टेप से चिपकाएंगे तो टेप चाहिएगा, टेप की लंबाई निकालनी है हमें, तो प्रयुक्त पट्टियों का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका संपूर्ण प्रश्न निकाल लेंगे तो सारा जो शीशा लगा पट्टियों का वो आ जाएगा। तो देखिए, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर पौधघर का संपूर्ण प्रश्न। अब संपूर्ण प्रश्न निकाल लेंगे, नहीं सूत्र लगाएं, 2LB + BH + HL। एल कितना हमारा 30 है, बी 25 है और एच भी 25 है, तो 2 ब्रैकेट में 30 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30। देखिए, 2 750 हो गया, ये 625 हो गया और ये 750 हो गया। इसको हमने जोड़ा, 750 कितना हो गया, 1500 और 625 2125 आ गया। 2125 की हम 200 गुणा करेंगे तो 4250 वर्ग सेमी शीशा लाएगा। जो शीशे की पट्टियाँ हमारे काम में आएंगी कितनी आएंगी, 4250 वर्ग सेमी। अब हमें आवश्यक टेप देखना है। देखिए, टेप जोड़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना टेप लगेगा। देखिए, कितनी कोरे हैं इसमें, 1 2 3 4, देख सब कोरे चार चार होंगी, 1 2 3 4, चार ही लंबाई हो गई, 1 2 3 4 ऊंचाई हो गई और चार ही चौड़ाई हो गई, 1 2 3 4। तो इसलिए हम चार पहले लिख करके L + B + H कर दें, तो क्या होगा, चार बाहर लिख दिया, 30 + 25 + 25, 2525 कितना हो, 50 और 30 80 हो गए, 40 4 × 80 कितने हो गए, 4 8 32, 320 सेमी लंबा टेप हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए, आठवां सवाल देखते हैं। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार का ढांचा जैसा अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से ऊपर से ढकले, ये मानते हुए कि सिलाई में लगा अतिरिक्त कपड़ा जो है वो तिरपाल नगण्य मान लिया गया है। इसकी आधार विमाएँ कितनी, 4 मीटर और 3 मीटर और 2.5 मीटर है, इसमें कितना तिरपाल लगेगा? समझता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, L बराबर 4 मीटर है, B = 3 मीटर, H = 2.5 मीटर है, ये भी मीटर ही है। अब देखिए, ढांचे में लगा तिरपाल, तो ढांचा जमीन पे तो कुछ है नहीं, फर्श नहीं है, तो अगर फर्श होता तो हम उसका संपूर्ण प्रश्न निकाल लेते, तो इसलिए ढांचा का जब हम निकालेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और छत का ले लेंगे, जोड़ देंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल या चारों दीवारों का प्रस्थ प्लस छत का क्षेत्रफल, तो 2L + B × H और L × B। तो देखिए, 2L + B कितना, 4 + 3 × 2.5 और प्लस 4 × 3 ये हो गया 2 और 7 हो गया, 2.5 हो गया प्लस 12, इसी गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 35.0 + 12 कुल मिला के 47 वर्ग मीटर तिरपाल लगेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का जो हम ढांचा बनाएंगे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्श में कुछ नहीं लगाया गया है, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें और छत का क्षेत्रफल जोड़ दें तो ढांचे का जो लगा कपड़ा है वो प्रश्न निकल सकता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।